पूरे प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी, इसको लेकर उज्जैन में भी छापेमारी की गई। उज्जैन जिला प्रशासन की टीम लगातार शहर में मिलावटखोरों पर छापेमार कार्रवाई कर सैंपल लेने का काम कर रही है। वहीं मौके पर मिल रहे बैग बैग के सामानों को नष्ट भी करवा रही है। इसी बड़ी कार्रवाई में जिला प्रशासन की टीम ने खाद्य सामग्री के बाद फूड की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम पुलिस बल और तहसीलदार के साथ शहर के फूड बाजारों में पहुंची। सबसे पहले टीम ने कार्बन से पकने वाले पपीता को पकड़ने की कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने इसी कड़ी में सबसे पहले बड़ी कार्रवाई गोपाल मंदिर स्थित फूड बाजार में, जहां दो दुकानों से करीब 100 किलो पपीता जब्त किया गया, जिसे केमिकल से पकाया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही निगम की टीम को बुलाकर पपीता को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की और व्यापारी का पंचनामा बनाया व पपीता के सैंपल भी लिए। जो एक अभियान चलाया है, इससे आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा। मिलावटखोरों के ऊपर कार्रवाई होगी और हम सब लोग इस कार्रवाई के पक्ष में हैं कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर जो मिलावटखोरी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और हम लोग भी सब उनका सहयोग करने को तैयार है। हमारे किसी भी प्रकार का कोई मिलावटखोर वाला काम ही नहीं है फल वालों का। गोपाल मंदिर स्थित फूड मंडी की कार्रवाई से बाजार के फल व्यापारियों में हड़कंप मच गया और सब अलर्ट हो गए। व्यापारियों के अलर्ट होने के कारण खाद्य विभाग ने जब दूसरे स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन आज से कलेक्टर शशांक मिश्रा ने खाद्य सामग्री के साथ फल फ्रूट में भी मिलावट या केमिकल से तैयार करने वाले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि विभाग की टीम ने फल मंडी स्थित दो दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर न केवल सड़े गले फलों को नष्ट किया, अधिकारियों ने आज दोपहर तक अन्य दुकानों कारखानों की तलाशी व कार्रवाई करने की जानकारी दी। जो कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाने को लेकर शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर खाद्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन और नापतोल विभाग के साथ जो है कार्रवाई की गई, जिसमें गोपाल मंदिर के पास जो फल मंडी है वहाँ पर दो दुकानों पर से कुछ कार्बाइड जब्त किया गया, जिसको सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। साथ ही वहाँ से जो पपीता कार्बाइड से पकाया जा रहा था उसको भी जब्त कर नगर निगम द्वारा जब्त करवाया गया है। उसके अलावा चिमनगंज मंडी और 0 पॉइंट फल मंडी है, यहाँ पर भी जाँच की गई है।